हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रो एंड यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे मैकआउट स्टूडेंट्स के लिए नैड मतलब नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी आईडी कितना इंपॉर्टेंट है। तो नैड क्या मैंडेटरी है या नहीं है, ये भी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और मैकआउट साइड में नैड के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आया है जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन बेसिकली है नैड के बारे में, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के बारे में। तो ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे चैनल में अगर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग अभी जहाँ पे हैं वो है आप लोगों का MacoutExam.net। फिर इजीली नीचे जाइए, यहाँ से नीचे जाके आप देखिए पहला वाला जो नोटिस आया है आप लोगों का, नोटिस रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ NAAD मतलब नैड आईडी टू एक्सेस एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ नैड। तो इजीली इसको डाउनलोड कर लेते, चलिए यहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो जाने के बाद आपके सामने देखिए एक ऐसा जो फाइल है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है इन डिटेल्स आपको बता देंगे। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी नैड इज अ सेंट्रल डेटाबेस वेयर एकेडमिक रिकॉर्ड्स आर अपलोडेड फॉर इजी एक्सेस टू ऑल स्टेक होल्डर्स। मतलब क्या हुआ, आप लोगों का सारा जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स होगा वो आपका नैड आईडी में अपलोडेड रहेगा। द विजन ऑफ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी नैड इज बॉर्न आउट ऑफ एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी नैड इज अ 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्रीज, मार्कशीट्स, etc। तो मतलब ये क्या हुआ, मतलब नैड एक्चुअली एक स्टोर हाउस है जहाँ पे आप लोगों का सारा एकेडमिक जो अवार्ड्स होगा, सर्टिफिकेट्स बोल सकते हैं आप, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट सभी अपलोड रहेगा। और अभी से आपको नैड मतलब आईडी क्रिएशन भी करना पड़ेगा, नैड आईडी क्रिएट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो यूनिवर्सिटी रहेगा वो आपका सारा डिटेल्स अभी अपलोड करेगा नैड में। तो आप अगर नैड आईडी ना बनाए तो आप अपना खुद का सर्टिफिकेट्स भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि भैया नैड क्या मैंडेटरी है, तो जी हाँ दोस्तों, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो नैड है ये आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, आपको नैड आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। अब चलिए आपको बता देते हैं कब तक आपके पास टाइम है। नीचे देखिए एक लिखा है इवेंट्स, सबमिशन ऑफ नैड आईडी बाय पास आउट स्टूडेंट्स ऑफ 2018-19 मतलब 2018-19 मतलब इस साल जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उनके लिए 26/12/2019 मतलब कल तक टाइम है। और जो लोग अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं मतलब 2019 एंड 20 का, वो लोगों के लिए 31/1/2020 तक आप लोगों के पास टाइम है। मतलब अभी आप लोगों के पास एक महीने तक टाइम है अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं। और अगर आप पास आउट स्टूडेंट हैं 2019 का बैच है, तो आपको कल तक ये आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका जो एकेडमिक सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया जाएगा। और ऊपर आप देख सकते हैं द नैड आईडी कुड बी क्रिएटेड थ्रू द वेबसाइट भी दिया है कहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, और आपको लिंक भी दिया है कहाँ से आप आपका आधार से नैड आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कैसे आपका नैड आईडी बनाना है, कैसे आधार कार्ड से बनाएं, विदाउट आधार कार्ड से कैसे नैड आईडी बनाएं, तो नीचे कमेंट मस्ट करना, क्योंकि बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बोलूंगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है नैड के लिए और कैसे आपको मैकआउट का साइड में नैड अपलोड करना है। नैड का जो सर्टिफिकेट आएगा आपके पास एक नैड आईडी के साथ, वो कैसे आपको मैकआउट साइड में अपलोड करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट मस्ट करना और ये वीडियो शेयर मस्ट करना कि ताकि बाकियों को भी पता चले नैड मैंडेटरी है, नैड कितना इंपॉर्टेंट है और लास्ट डेट भी सबको पता चले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर मस्ट करना और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब मस्ट कर देना। और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ वक्त बिताइए और इस मौके पे अपने फैमिली को खुश भी कीजिए, कुछ अच्छा काम करके अपने फैमिली के साथ रहिए और एन्जॉय कीजिए अपना क्रिसमस। तो थैंक यू, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।